कल हम लोग फेस प्रमेय पढ़े थे, आज वही फेस प्रमेय क्या क्या पढ़ेंगे विलोम। फेस प्रमेय में क्या पढ़ना था कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो क्या करता है, उस त्रिभुज को दो बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, समानुपाती होती है। थेल्स प्रमेय के बारे में कल जो बताए थे, आज हम लोग उसका इनवर्स पढ़ेंगे, कन्वर्स थ्योरम, उसका जस्ट अपोजिट, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, तो कोई त्रिभुज हम लोग जैसे ड्रॉ कर रहे हैं, सेम फिगर बनेगा जो कल बताए थे, बस वैसे ही। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कल हम पढ़े थे समान अनुपात में विभाजित करना प्रूव किए थे, यहां पर दिया हुआ है यदि कोई त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह रेखा इस रेखा के समांतर है, यही बात प्रूव करना है। तो यह एक एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग देते हैं डीई। तो हमें यह प्रूव करके देना है, क्या प्रूव करके देना है कि DE जो है वह पैरेलल है किसके, BC के, यही बात प्रूव करके देना है। सेम बनाएंगे, एकदम टोटल चीज सेम बनाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सेम करने के बाद लास्ट में हम लोग यह बात प्रूव कर दे कि इसके अंदर जो ट्रायंगल जो बन रहा है, दो ट्रायंगल जो बन रहा है, दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल कर दे प्रूफ, तो हम यह बात तक पहुंच सकते हैं कि यह लाइन के पैरेलल होगा। एरिया कब बराबर संभव हो सकता है, जब कोई समलंब का बात करिए, समलंब चतुर्भुज का शेप है, समलंब जैसा है, या जब कोई सेम बेस और इक्वल पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही बात से हम लोग इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि डी जो है पैरेलल किसके, मतलब हम यह प्रूव कर दे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें डी बी ई और डी ई सी, यह ट्रायंगल दोनों आपस में बराबर है, इस बात से हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि डी जो है वह BC के पैरेलल है, क्योंकि एरिया तभी संभव हो सकता है बराबर जब दोनों लाइन पैरेलल हो और सेम बेस पर ट्रायंगल हो। तो सेम बेस पर ट्रायंगल तो है ही, एरिया प्रूव कर दे बराबर है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि DE जो है पैरेलल है किसके, BC के। तो जो दिया हुआ है गिवन में लिखेंगे, दिया गया क्या चीज है, दिया है क्या, दिया है ABC त्रिभुज ABC में रेखा DE कॉमा AB एवं AC ना, एवं AC को क्रमशः मतलब लगातार क्रमशः D एवं E बिंदु पर क्या करती है, बिंदु पर प्रति छेद करती है। ये बात है ना, ये तो दिया गया है, जो स्टेटमेंट कर रहा है उसी हिसाब से हम लोग लिखे हैं। देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को, यदि कोई रेखा, तो कोई रेखा क्या था, डी, किसी त्रिभुज को समान अनुपात में बांट रही है, मतलब AD बटा BD बराबर E बटा इसी के समान अनुपात में बांटती है, तो यह भी दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती है, इसलिए और क्या कर रहा है, समान अनुपात में कर रहा है ना, प्रतिच्छेद करती है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा किसके, किसी के। क्या बोला दो मतलब क्या बोल रहा है कि यदि किसी, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती, समान अनुपात में विभाजित करती, तो लिख दिया हुआ था ना। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हमें कि डीई जो है वह पैरेलल है किसके, बीसी के, ये बात प्रूव करना है। डीई पैरेलल किसके, बीसी के, बीसी के, ठीक है। लोग आकृति इसका बना ही लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं जो कल बनाया थे, सब पे लंब डालते हैं, ठीक है। रचना क्या किए हम लोग, कंस्ट्रक्शन डी से डीएम लंब किस पे डाला है, एसी पे, डी से डीएम लंब एसी पे डाला और इसका नाम देते हैं ईएम, है ना। एवं ई से ईएन लंब किस पे डाला, एबी पे, ना, एबी खींचा या डाला। फिर क्या किया हमने, फिर बी को ई से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई तथा बी को ई तथा सी को डी से मिलाया, यही है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रूफ के तौर पे हम लोग चलेंगे वही त्रिभुज का क्षेत्रफल चलेंगे, प्रूफ यानी कि प्रमाण, प्रमाण के तौर पे हम लोग क्या चलेंगे, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, बहुत ही इजी है, उससे भी ज्यादा आसान लगेगा, थेल्स प्रमेय का विलोम थेल्स से भी ज्यादा आसान लगेगा। एक बटा दो आधार गुने शीर्ष लंब, आधार क्या हो गया, ए डी नहीं हो गया, कल बता ही चुके हैं, अगुने इस पर लंब क्या है, ईएन नहीं, ईएन इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है। और देखो इस त्रिभुज में चलते हैं हम लोग, देखो यही लाइन साइड में ये त्रिभुज बना, ठीक है। तो बहुत बच्चा के मन में ऐसा ही प्रश्न उठता है कि इस त्रिभुज में आप परपेंडिकुलर हाइट ईएन को ही क्यों लेते हैं, ऐसा आता होगा प्रश्न। तो देखो इस चीज को थोड़ा समझना है, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं एक ये पहाड़ है, ठीक है, यह पहाड़ है जिसका निचला सिरा जो है, मतलब निचला हिस्सा जो है धंसा हुआ है, कोई व्यक्ति इस पहाड़ पे चढ़ता है और यहाँ से कोई वस्तु को गिराता है, तो अब वस्तु कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मेरे हिसाब से यही ट्रेवल करेगा, यही करेगा ट्रेवल, तो हाइट क्या हो गया, यही नंबर। तो हमेशा किसी भी चीज का हाइट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है, लंबवत ऊंचाई होता है, तो लंबवत ऊंचाई यही होगा ना। तो इस फिगर का अगर यह टुकड़ा को तुम गौर से देखते हो, ध्यान देखना किस टुकड़ा को देखते हैं, बी डी ई को देखते हैं, अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो क्या पाएंगे कि ई जो है इसी प्रकार का चोटी है कि नहीं, तो उसके लिए परपेंडिकुलर हाइट यही होगा, समझ आया। तो हम लोग किस, देखो जिस साइड में चल रहे थे, इस साइड में चल रहे थे ना, ए डी बट्टा डी बी था ना, तो डी बी को लेंगे, तो डी बी के लिए कौन ट्रायंगल बन रहा है, यही है ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब चलेंगे त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, तो एक बट्टा दो आधार, तो आधार इसके लिए क्या होगा, बी डी, क्या होगा, बी डी, बी डी अगुने शीर्ष लंब क्या होगा, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, एक और दो से लिखो, या एक भागा समीकरण दो, दो ऐसे भी लिख सकते, कल जो थ्योरम बताया उसमें भी लिख सकते डिवाइड करके, ठीक है, अनुपात मतलब डिवाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए डी इंटू ई एन,
by 1 by 2 BD into EN. EN, CN cancel, half से half. Cancel. Cancel तो हमें यहाँ क्या मिला? AB by BD. AB by BD. BD. और D ना हमें. ठीक है? AD sir. AB by AD. और AD है ना हाँ. AD by BD. ठीक है? इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर ये मिला. इसको इक्वेशन हम लोग मानते हैं थर्ड. समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग इधर भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं इस साइड से. तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी सी के जगह पर ई ना हो, इसी प्रकार. ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना. इसी प्रकार अगर इस लाइन में आता है, इस लाइन के लिए तो ये ट्रायंगल फिर आया, रिपीटेशन है. ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, ये देखो ये साइड से ये त्रिभुज बना ना, क्या नाम है, ईडीसी त्रिभुज, वही सब लिखेंगे. एक बटा दो आधार गुने श्रृंखला, क्या लिख सकते हैं, एक बटा दो आधार. इसके लिए आधार क्या है, ए. क्या है, ए. गुने श्रृंखला क्या, इसके लिए डी एम है. क्या है, डी एम बाई वन बाई टू. अब देखो इसके लिए आधार क्या होगा, ई सी. क्या होगा, ई सी. गुणे श्रृंखला क्या होगा, डीएम ही होगा. डीएम से डीएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल. इसलिए क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या है, एई बट्टा ईसी. इक्वेशन फोर. क्या आ गया इक्वेशन फोर. ठीक है, क्या गिवन था, एडी बट्टा डी किसके बराबर था, एडी बट्टा इसी के गिवन था. यानी कि यह दोनों आपस में बराबर, मतलब यह भी इसके बराबर होगा. समझा रहा ना, तो समीकरण किससे, तीन और चार से. ठीक है, समीकरण और फोर्थ से, तीन और चार से. समीकरण चार से हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं. ठीक है, तो कहेंगे यही ना, कहेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DBEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल. कह सकते हैं कि दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि दिया हुआ हम लोगों क्या था कि AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा इसी, या क्या था, दिया है ना, दिया गया है ना, दिया गया है. इस चीज को समझना थोड़ा ध्यान से, कि हम लोग को पता है AD बट्टा DB जो है AE बट्टा इसी के बराबर, या दिया गया, छोड़ो में दिया गया था कि AD बट्टा DB किसके बराबर है, AE बट्टा इसी के. याद रखो AD बट्टा DB AE बट्टा इसी के बराबर है. जब AD बट्टा DB इसके बराबर है, AE बट्टा इसी इसके बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों, जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर होगा. एग्जांपल के तौर पे हम बहुत बार बता चुके हैं, जैसे हम लिख देते हैं, अगर लिखते हैं राम जो है वह बराबर है श्याम के. ठीक है, यहाँ लिख दे कि मोहन जो है वह बराबर है रोहन के. यहाँ समझना इस चीज को. अब पहले से अगर कंडीशन दे ले है कि श्याम जो है वह बराबर था किसके, रोहन के, यानी राम और मोहन भी आपस में बराबर होंगे नहीं, तो यहाँ से हम एक चीज तो निष्कर्ष तक तो पहुंच चुके हैं. क्या पहुंचे, देखो निष्कर्ष तक,
कि यहाँ से देखो ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ ये दोनों सेम है, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया, इसलिए एक ट्रायंगल डीबीई का क्षेत्रफल वह बराबर होगा ट्रायंगल के इसके डीई सीडी का क्षेत्रफल, दोनों बराबर होगा ना। यह तब संभव है जब डी जो होगा बीसी के पैरेलल होगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। देखो ना डीई बेस, देखो डी दोनों ट्रायंगल में आया है, देखो डी इसमें भी आया है, डी इसमें भी आया है, मतलब बेस सेम है, दो ट्रायंगल का बेस सेम है और एरिया बराबर है, यानी कि डीई जो होगा पैरेलल होगा किसके, बीसी के। बात प्रूव हो गया कि नहीं, समझा आया। अल्टर एक और विधि से बनाया जा सकता है इसको, अल्टरनेटिव मेथड जो होगा तो बताएंगे, वैसे ज्यादा आसानी ये पड़ता है, ठीक है। तो नोट करो, तो यहां से हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि दोनों का जो बेस है क्या है, सेम है, बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। ऐसा स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न होता है कि डी जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ये बात प्रूफ करना था हम लोगों को, देखो सिद्ध करना था, नहीं सिद्ध करना था लिखेंगे, परंतु ठीक है, परंतु क्या देख रहे हैं हम लोग, त्रिभुज क्या नाम है बीबीई एवं त्रिभुज डीईसी का, त्रिभुज डीबीई एवं त्रिभुज डीईसी एक ही आधार, एक ही आधार, ही आधार पर स्थित है और इन दोनों के क्षेत्रफल भी क्या है, समान है, क्षेत्रफल भी समान है, अतः हम कह सकते हैं कि डी जो है वह पैरेलल है किसके, बीसी के, बीसी के। इति सिद्धतम, यह बात प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अगर होगा तो हम इसका अल्टरनेटिव मेथड जो है उसको बताएंगे। अल्टरनेटिव मेथड में क्या करना होता है, बहुत सिंपल सा केस है, उसमें वन ऐड करते हैं, बोथ साइड बनाते हैं क्वेश्चन को, थ्योरम को, तो कल हम बताएंगे होगा तो, ठीक है।